वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील नेहरू शाळेजवळ अंडरग्राउंड पाइपलाईनचे काम केले गेले होते। या पाइपलाईनने मजुमदार वार्ड व काली सडक वार्डात पाणी पुरवठा केला जातो। बुधवारी सकाळी पाइपलाईन फुटल्याने जमिनीतून हजारो लिटर पाणी वाहायला सुरुवात झाली। ही पाइपलाईन फुटल्याने वस्तीला नदीचे स्वरूप आले होते। लाखो रुपये खर्च केला गेला असून सर्व खर्च गेला पाण्यात। याबाबत नगर परिषदेला माहिती दिली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा केला होता। स्थानिक नागरिकांनी त्रासून पत्रकारांशी यावेळी संवाद साधला। ये वार्ड है डॉक्टर मजुमदार वार्ड और इस प्रभाग में जैसा कि आप देख रहे हैं नाली में पूरा तरीके से पानी बह रहा है और नेहरू स्कूल के पास में एक पाइपलाइन है जो पूरी तरीके से फूट चुकी है और उस फूटने के बाद में पानी की जो हाइट थी 5 फुट बताई जा रही है और 4 घंटे से लगातार पानी इतनी ज़्यादा फ्लो में बह रहा है। नगर परिषद को पिछले 1 घंटे पहले कॉल किया गया लेकिन नगर परिषद की ओर से अभी तक यहाँ पे कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं है और लाखों लीटर पानी अभी तक के बह चुका है और अभी पहले गर्मी का मौसम है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत प्रभाग में हो रही है, फिर भी नगर परिषद अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। और जैसा कि आप देख रहे हैं नाली में किस तरीके से फ्लो से पानी बह रहा है और इसका कोई दुरुस्ती का काम भी नगर परिषद ने अभी तक नहीं किया। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।